इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पर आते हो। यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा अलग है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मैं बनारस में अपना पहला व्लॉग शुरू करता हूँ। एक्चुअली हम लोग बनारस इसलिए आए थे क्योंकि प्रगति वहीं के घर पे भागवत कथा बैठी है, तो हम लोग वो अटेंड करने के लिए बनारस आए। और उसके बाद मेरा थोड़ा प्लान है कि बाहर घूमने जाने का, बट फिलहाल हम प्रगति वहीं के घर पर जा रहे हैं जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है। और यहाँ पर अभी भागवत पाठ चल रहा है सुबह सुबह, तो लेट्स गेट देयर इनसाइड और फिर हम थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे। एंड फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए। और अभी बज रहे हैं 10:30, थोड़ा सा लेट हो गया घर पे क्योंकि बात करने में लगे थे। और अभी हम पहले जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में। अभी हम इलेक्ट्रिक रिक्शा से नीचे उतर गए और बाकी पैदल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तक इलेक्ट्रिक रिक्शा अलाउड नहीं है, या फिर ट्रैफिक की वजह से उन्होंने हमें वहीं पे छोड़ दिया। तो अब यहाँ से सीधा पैदल वहाँ तक जाना है। अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का वॉक है, तो सिर्फ सीधा वहाँ पे जाते हैं। I had longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for. As I told कि अंदर कैमरा और फोन अलाउड नहीं है, तो कैमरा यहाँ पीछे लॉकर में रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है लॉकर रखने के लिए यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे मैं फिलहाल कैमरा रखता हूँ और दर्शन करने के बाद मिलता हूँ। 2 hours later. And finally, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अंदर जाके जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो वर्ड्स में आप किसी को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। और अभी वहाँ से हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर में। अगर आप काशी विश्वनाथ आते हो तो काल भैरव की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको वहाँ पे भी जाना, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं काल भैरव मंदिर में, फिर उसके बाद कुछ लोकली देखेंगे और थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और तो मैं आपसे एक बहुत पर्सनल बात शेयर करता हूँ, काशी विश्वनाथ जाना वन इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप एक अलग ही वाइब में चले जाते हो। यू नो वंस यू एंटर इन द कैंपस, एक बहुत अलग वाइब है जहाँ पे आपको लगता है आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हो। जैसे कि मैं अपना अगर बताऊँगा, अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो अंदर जाने के बाद ना आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ें भूल जाते हो और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रहता है कि यार मैं कब अंदर जाऊँगा और कब मुझे दर्शन मिलेगा। तो दिस इज़ वन इन अभी मेन मार्केट में थोड़ा सा ट्रैफिक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। बट अगर आप काशी विश्वनाथ जाते हो, देन ट्रस्ट मी, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ज़रूर जाना। यू नो वॉट, बनारस इन छोटी छोटी गलियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पुराना जो पूरा शहर है वो इन्हीं छोटी गली में बसा हुआ है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं, अभी हम जिस मंदिर में जा रहे हैं वो भी ऐसे ही रास्ते से। अब पूरी जगह पे देखो, पूरी सी छोटी छोटी गलियों में पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे एक गली जाती है और यहाँ से एक अंदर एक और गली जाती है। ये पूरा शहर इसी तरीके से बसा हुआ है जो पुराना वाराणसी है। अगर नए में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। क्योंकि एंड यहाँ पे भी दर्शन हो गए। दो मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, बट स्टिल समाउ मैंने एक छोटा सा क्लिप लेने की कोशिश की, किसी ने रोका नहीं। आई नो ये थोड़ा रूल्स के अगेंस्ट था, बट ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा चलता है। अब नाउ अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद वापस से घर पर जाएंगे। यू नो वॉट, लोकल मार्केट बहुत अच्छे से कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी कुछ शॉप किया है। और अभी सिर्फ 3 बजे हैं और आज शाम का एक बहुत अच्छा प्लान है, हम लोग घाट पर जाने वाले हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो घर पर जाते हैं क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो अभी पहले घर पर जाते हैं, खाना खाएंगे और जिस काम के लिए हम लोग बनारस आए थे वो भी अटेंड करना है। क्योंकि हम लोग बनारस आए थे भागवत कथा अटेंड करने के लिए जो वहीं के घर पे होने वाली है, तो वो कथा चल रही है घर पे और हम लोग यहाँ पर हैं। कथा अभी जस्ट 10 मिनट पहले शुरू हुई है, तो हम लोग अभी जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, कथा में बैठते हैं, फिर उसके ट्रैफिक की आवाज़ करता थे यार लोग बोलू पंडित।
और घाट पे जाने का प्लान कथा ख़त्म हो जाने के बाद का है, और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा। आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा कट डालूंगा मैं इसके अंदर, बट डेट्स ओके नाउ। ये ट्रैफिक मैं बार बार नहीं सुना सकता, और बनारस गलियों में ख़त्म ही नहीं हो रहा है सर। सब गली 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 में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मेन रोड कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ गली, और पूरा का पूरा शहर गली में बसा हुआ है। ये देखो भी हम लोग सिर्फ गली में चले जा रहे हैं, और गली 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 ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है। अब इसमें तो आई डोंट नो, बट यहाँ इधर उधर ये सिर्फ गली है, अब बाकी कुछ है नहीं। 8:01 PM. All right guys, and we're back to the room. Actually, आज घाट पे जाने का प्लान था शाम को गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ पे भागवत कथा चल रही थी, इस वजह से वहाँ पे जाना नहीं हो पाया, वो मिस कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और कल भी गंगा आरती नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कल शाम को हमारी 4:30 बजे यहाँ से ट्रेन है। हम यहाँ से डायरेक्ट ग्वालियर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक शादी अटेंड करनी है। तो इस बार के लिए गंगा आरती रह जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं। और फिलहाल कल सुबह मैं ट्राई करूँगा कि किसी एक घाट पर जाके यू नो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी, थोड़ा कुछ फोटोशूट कर आऊँ, जिससे मेरे पास खुद के पास एक रिकॉर्ड रहे कि मैं बनारस आया था और मैंने यहाँ पर आके से कुछ शूट किया था। मैं घाट जाने वाला हूँ सुबह, पूरी कोशिश करूंगा घाट पे जाने का, बट अब वो सुबह के सुबह देखेंगे। तो इस व्लॉग को कल सुबह के लिए कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आई माइट लुक लाइक स्लीपी, बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ इस टाइम पे। सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, इस वजह से आँखें ऐसी सूजी लग रही होगी। बट एनीवेज, आज का प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज हम लोग जा रहे हैं लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। तो अभी बस दादा थोड़ी देर में नीचे आने वाले हैं, फिर हम साथ में निकलते हैं। और सिटी में जाने के लिए हम कार से नहीं जा सकते, क्योंकि बनारस की गलियां बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है। तो हम पहले तो स्कूटर से वहाँ तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद पैदल जाएंगे आगे। तो मैं आपको वहाँ पे आगे का दिखाता हूँ। आज के हमारे लोकल गाइड है अमोक दादा, जो हमको पूरे सिटी के बारे में बताएंगे। और जो स्ट्रीट फूड जिसके बारे में बात कर रहा था, वो दादा ही ट्राई करवाने वाले। और फिलहाल मैं अभी बाइक चलाने वाला हूँ, तो फिर व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स वैसे दिखा देता हूँ। सो ऑन अकाउंट ऑफ 3, 1, 2, 3। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बनारस की गलियाँ जो आप कार लेके जा ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ वेयर द ओल्ड सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड। और यहाँ पे अभी हम आए हैं एक बहुत ही अनयूजुअल सा ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए, जो हमको यहाँ पे दादा लेकर आए हैं। और यहाँ पे आई थिंक देखो भाई, अपने को तो एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं है कि क्या लेने आया है। दादा से पूछते हैं और अपने को दादा बताएंगे कि एग्जैक्ट अपन क्या करते हैं। दादा बताओ हमको कि अपन क्या लेने के लिए आए हैं। अभी हम सुबह सुबह बनारस का नाश्ता कचौड़ी सब्जी खाने आए हैं। कचौड़ी सब्जी खाने के बाद हम जाएंगे मलियो खाने, जो यहाँ पे श्री जी की दुकान पे होती है। जो दो तीन चीज़ें जो मुझे जो ये जो दो तीन चीज़ें दादा ने बताई है, वो हम एग्जैक्ट ट्राई करेंगे वहाँ पे। और जो बनारस की जो सबसे फेमस और जो बहुत पुरानी दुकान है, हम एग्जैक्ट वहीं पे जाने वाले हैं ट्राई करने। और अभी फ़िलहाल हमारी कचौड़ी और सब्जी रेडी हो रही है, उसके बाद आगे हम जाके मलाइयों ट्राई करेंगे, जैसा दादा ने अभी बताया। और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट चालू हुआ है, ये है पूरी और भाजी। दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ बेड़ई, जो अपने को आगरा साइड या फिर MP में जो मिलती है, तो ये बेड़ई। और इसके साथ आलू और चने की भाजी है, तो ये मैं पहले खा लेता हूँ। अभी इसको खाने के लिए दोनों हाथ लगेंगे, तो मैं पहले खा लेता हूँ फिर ब्लॉग कर लूँ। और ये ब्रेकफास्ट का सेकेंड आइटम, गोल कचौड़ी, अगेन टॉप्ड विथ हरी चटनी के साथ और लाल चटनी है। और सेम छोले और आलू की जो भाजी थी वो भी है, तो ये भी अब खा लेते हैं फटाफट। थोड़ा स्पाइसी खाने के बाद अब हम जा रहे हैं मीठा खाने के लिए, जिसको मलाइयों बोलते हैं यहाँ पे। एक मलाइयों बोलते हैं, जो एक प्रॉपर मिल्क फैट होता है, मिल्क से बनता है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए। एंड दिस इज़ मलाइयो। मैं एट अ टाइम्स बोलता हूँ कि मैं डाइट फॉलो करता हूँ, लेकिन ऐसा सब कुछ देख के ना
डाइट करने का कोई मतलब नहीं, अगर आप डाइट करते हो तो आप ऐसा कुछ नहीं खा पाओगे, तो कभी कभी अपने डाइट छोड़ के ये सब कुछ ट्राई करने चाहिए। तो भी फिलहाल मैं ये खा रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मलाइयों मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने एक और ले लिया, तो मैं अभी जल्दी से ये भी ख़त्म कर लेता हूँ। सी आई टेल यू समथिंग, मलाइयों दिखने में ना बहुत ज़्यादा हल्का लगता है, और आप खाओगे ना जब आप पहला बाइट लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हल्का है, लेकिन उस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना, वो एक फुल फैट मिल्क क्रीम है, जो फुल फैट मिल्क फोम है, सॉरी क्रीम नहीं फोम है, जो खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। मैंने दो खा लिया उसके बाद मैं फुल हूँ, मतलब मैं अब शाम तक कुछ भी नहीं खाने वाला, इतना ज़्यादा पेट भर चुका है मेरा। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप बनारस आ रहे हो और अगर आपने मलाइयों नहीं खाया तो बनारस हमेशा के लिए आपका आधा रह जाएगा, तो बनारस में अगर आए हो तो मलाइयों खाए बिना जाना नहीं। और जो जगह मैंने भी इसमें दिखाई, जो श्री जी करके जो है, अब वहाँ पर जाना, वो सबसे पुराने और वन ऑफ द बेस्ट मलाइयों सर्व करते हैं, जैसा मुझे दादा ने बताया। और अब हम वापस घर पे जा रहे हैं, एंड जिस मोमेंट का मैं जब से बनारस आया हूँ तब से वेट कर रहा था, वो फाइनली आ गया है। ऑन काउंट ऑफ थ्री आई शो यू व्हाट आई हैव जस्ट विटनेस्ड राइट नाउ। कैमरा आई गेस जस्टिस नहीं करेगा जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बट 1 2 हैव अ लुक एट दिस। मैं और आगे जाता हूँ अभी थोड़ा और फिर दिखाता हूँ आपको। ये है 80 घाट, इसको 80 घाट बोलते हैं, आई डोंट नो वैसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कोई स्टोरी रही होगी कि इसको 80 घाट क्यों बोलते हैं, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर बता दूंगा बाद में जैसे मुझे पता चलेगा। बट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, वो शायद ही आपको कैमरे में समझ में आएगा ढंग से। यू कैन सी दिस द एंटायर गंगा रिवर इन फ्रंट ऑफ मी। जिस चीज़ का मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम वेट किया है ना, जो मेरे आँखों के सामने है। And it's hard to get over such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No, no matter what I do, I keep. See, this is once in a lifetime experience. अगर आप यहाँ पर आते हो, यहाँ की vibe इतनी ज़्यादा अलग है और इतनी ज़्यादा positive है ना, आप देखते बराबर, आप ये सीन देखते बराबर ना सब कुछ भूल जाओगे, और सिर्फ इस सीन की जो ब्यूटी है आपको वही दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा। और वहाँ पे बैठी है अभी, और इसी के साथ हमारी बोट राइड बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई। अब हम फटाफट से घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि 4:30 बजे हमारी ट्रेन है, और अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी सिर्फ 2.5 घंटा है, तो अब जल्दी से घर पहुंचते हैं, अपनी जो बची कुची पैकिंग है पैकिंग करके सीधा निकलते हैं, 4:30 बजे ट्रेन है। और इसी के साथ हमारी काशी यात्रा समाप्त होती है। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि ग्वालियर में एक शादी अटेंड करनी है, तो अभी हमारी बनारस से ग्वालियर के लिए ट्रेन है, तो स्टेशन के लिए हम लोग निकल गए, बस थोड़ी देर में स्टेशन पहुंचते हैं, फिर ट्रेन बोर्ड करते हैं। तो लेट्स गो नाउ, एंड वी हैव रीच्ड टू बनारस स्टेशन। हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, सामने खड़ी है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म 1 से 3 पे जाते हैं। एंड वी हैव जस्ट बोर्डेड द ट्रेन, सामान वगैरह सब कुछ ढंग से जमा दिया है, आई नीचे है और मैं ऊपर वाली बोर्ड पर हूँ, और अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर नैप ले दूँ, उसके बाद मिलता हूँ, तो मिलते एक नैप के बबाद। आई जस्ट रियलाइज कि 9 बज गए हैं और ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर आके पहुँची है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा और अभी स्टेशन के बाहर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का अप्रॉक्स 25 मिनट्स का होल्ड है, तो बाहर आके हैविंग अ कोक राइट नाउ, और अभी जाके डिनर करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा हेडेक है, तो ज़्यादा देर जमूँगा नहीं, अब सीधा खाना खा के सो जाता हूँ।
सो आई विल मीट टुमारो मॉर्निंग। लास्ट मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग किया नहीं क्योंकि सब कुछ सेम हो रहा था, तो बार बार देखा कि जैसे मैं बनता नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। आई थिंक इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही रखना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।